सबका फेवरेट है लेकिन थोड़ा सा। ये रात में शॉपिंग हो रही है। देखो चोरनी को, ये देखो चोरनी को, हम भीड़ लग गई है किचन में हमारे। और आज खाना में क्या क्या स्पेशल बन रहा है, क्या स्पेशल बन रहा है? ये लाल साग बन रहा है, ये लाल साग सबका फेवरेट है लेकिन थोड़ा सा है, एकदम थोड़ा चटनी के बराबर सबको मिलेगा। और यहाँ बन रही है आलू परवल की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, अच्छा हिंगराज का तड़का। हेलो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। सो यहाँ पे हो गए दोपहर की टाइम और हम लोग नहा वहा के रेडी हो चुके हैं। और ये देखो दीदी ने पूजा कर दिया है, कितना अच्छा मंदिर सजा हुआ लग रहा है। और यहाँ देखो इस छोटी सी बच्ची को, ये क्या करे, फ़ोन में बिजी है, तो इसका काम ही एक है फ़ोन में बिजी रहना, नहीं तो पूरे घर में तमाशा मचाना, बस यही काम है। फिर मैंने यहाँ पे कपड़े वगैरह सारे सूखने के लिए डाल दिए, सारा काम ओवरऑल हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ दीदी खाना निकाल रही है और नेहा दीदी ने चावल चढ़ा दिया है, तो चलो दिखाते हैं खाने में क्या बना है। सुबह जो देखा है हमने बस वही बना रहा, गोभी की सब्जी, साग, चावल, रोटी, बस ये खाना आज का। जैसे कि आज संडे था तो आज सब कुछ बंद था, यानी कि मम्मी का ऑफिस, हमारा जिम, सब कुछ। तो हम लोग यहाँ पे, अभी शाम हो चुका है, दीदी और मतलब दोनों दीदी और मामी गई है मार्केट, हमेशा की तरह संडे के संडे वेजी खरीदने, सब्जी खरीदने जाती है मार्केट, तो वही गई है। और मैं यहाँ पे जितने भी दिन के कपड़े धुल के रखे हुए थे, मैंने सूखने के लिए डाला होता, तो सभी को उतार लेती हूँ और जो कर्टेन है ना सभी को फैला देती हूँ, तो मैं ऊपर तक चुभ नहीं पाती, इसलिए मुझे डंडे की सहायता पुट करनी पड़ती है। तो या तो स्टिक नहीं तो डंडे लेके सभी को कॉर्नर से सेट कर देती हूँ ताकि कहीं से हवा नहीं आए, हवा बहुत आती है ना इस वजह से। आधी रात को शॉपिंग हो रही है। आधी रात को दीदी इसको नीचे से पकड़ लो। हम लोग घर में, यहाँ पे दीदी बाबू को मिल तैयार कर रही है और मैंने यहाँ पे वेजी कट कट के रखे, बाद में बताऊंगी क्या आज बनाने वाली डिनर में। फिलहाल चाय चढ़ाते हैं और दिखाते हैं कि सामान क्या क्या लाए हम लोग। दीदी के आने के बाद वापस से मैं और दीदी चली गई थी मॉल, थोड़ा वोड़ा सामान लाना था, छोटा मोटा, ज़्यादा नहीं, तो वही लाने चले गए थे। साथ साथ हमने देखो क्या लेके आया है, तो यहाँ पे चिप्स लेके आई हूँ, बड़ी वाली जो नहीं होती है, फोफी, हम लोग फोफी कहते हैं, आप बताना अगर आप जानते हो किसी और नाम से तो बताना हमें कमेंट करके, ताकि हमें इसका नाम पता चले। तो ये फ्राई कर लेते हैं, फ्राई से कुछ, तो ये बाबू को बहुत पसंद है इसलिए हम लोग ले आए, और हमें भी पसंद है, लगे हाथ उसके नाम पे हम लोग दिखा लेंगे। और इधर हमारी चाय चढ़ी हुई है, तो ये चाय हो जाती है तब तक हम लोग फ्राइज खा लेंगे। ये लेके जाऊंगी और देखूंगी पुच्चा का एक्सप्रेशन क्या है। क्या ऐसे तो बहुत बदमाशी कर रही है दीदी, उसको पढ़ाने के लिए बैठाई हुई है लेकिन वो पढ़ नहीं रही है, बदतमीजी पे उतरी हुई है। लेकिन थोड़ा सा बच्चा को ये सब देख के पैम्परिंग करना भी चाहिए, तो भी लेके जाएंगे और दिखा देखते हैं क्या हाल है उसका। बहुत पक्कू है, आइए आप लोग को भी दिखाती हूँ कैसे खुश होती है। ये देखो ये मैंने ले गया और ये देखो कितनी खुश हो गई ना, मतलब कि इतना छोटा सा चीज भी इतना ज्यादा खुश, एक्साइटेड। चौमिन हम खुद बनाएंगे, इतना बड़ा केचप सॉस, इस पे फ्री मिला ही है, टोटली फ्री। यह है 2020 बिस्किट, जो कि मेरा फेवरेट रहा है बचपन से ही, स्कूल टाइम से ही मेरा ये फेवरेट बिस्किट है, पर मैं खाना छोड़ दी थी बीच में क्योंकि मीठा मुझे पसंद नहीं आती थी। और ये आया है
है रेड चिली सॉस, ये देखो ये सोया सॉस, ये आ गया, और ये छुटकू के लिए ब्रश, इतना सारा सामान आया है। तो जब तक हम लोग किचन में लगे हुए हैं, तो यहाँ देखो मम्मी ना जितने भी सब्जी लाई हुई थी फ्रेश, मतलब खरीद के बहुत भर भर के सब्जी लाई है, दो झोला पूरा पूरा वीक चलने वाला है, तो सारे को ना फ्रिज में रख देगी। देखो ना उतना देर से हम वीडियो बना ही नहीं रहे थे तो अभी ना दीदी कर रही है मंचूरियन की तैयारी, मंचूरियन नहीं मतलब जो मंचूरियन हम लोग ने बना के रखे थे। और कितना दिन खाए हैं? तीन दिन मजा ही मजा है, हम लोग 3 दिन मंचूरियन खाए हैं, और अब ठंडा में हम लोग हमेशा मंचूरियन बना के रख देंगे फ्रिज में, बल्ले बल्ले होगा, ग्रेवी नहीं लगाएंगे। और अभी ना सब्जी के मौसम, अभी बहुत सारी सब्जी आती है, ये देखो दीदी ना अनियन, स्प्रिंग अनियन लाई है, तो वही हम यहाँ पर कट करके रखे, तो अभी उसको भी डालेंगे ग्रेवी में। और यहाँ पे मैंने चाउमीन के लिए सारे कट करके ऊपर से डालेंगे, ये ना जब ग्रेवी लग जाएगा ना तब ऊपर से डालेंगे, ओके, हरा हरा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं चाउमीन के लिए बॉईल की हूँ, पानी बॉईल कर रही हूँ ताकि चाउमीन जल्दी से बॉईल कर लूँ, और काफ़ी एक्साइटेड है सब कुछ चाउमीन और मंचूरियन घर का बना हुआ खाने के लिए। तो हम लोग खाते हैं लेकिन बाहर का बना हुआ नहीं, घर में खुद से बना के खाते हैं है ना, तो चलो बनाते हैं अब। तो उधर ना दीदी जब तक बना रही है मंचूरियन तब तक ग्रेवी लगा ली, तब तक मैं सोच रही हूँ बॉयल करके रख लूँ इसे, और बॉयल करके ठंडा करने में भी टाइम लग जाता है। तो चाउमीन का जितना भी टुकड़ा है, ये बहुत ही पतले वाले चाउमीन, तो इसे बॉयल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई थिंक 3 to 4। चाउमीन बना रही है, तो आज हमारे घर में ढाबे वाले आ गए हैं, हमने बुला के लाया ढाबे वाले, बहुत रिक्वेस्ट किए थे, थोड़े देर पहले मैं ढाबा वाली बनी थी, अब छोटी बन गई है, और मस्त मस्त आज चाउमीन पार्टी होगा, चाउमीन मंचूरियन घर में बना बनाया खाऊंगी। पता है आपसे जिम में पूछ रही थी, चाउमीन नहीं खाती हो, बाहर का चीज़ नहीं खाती, हमने सब कुछ हम घर में बना के खाते हैं हम बाहर जाने की क्या ज़रूरत है हमें, बता क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, यही है खाना वहाँ, ये देखो यही है, देखो ये देखो यही इसी सब के कारण, वही ना। देखो चोरनी को, ये देखो चोरनी को, हमारे घर की चोरनी है जो किचन में जाके बिस्किट चुरा रही है, और उसका बिस्किट बेड के नीचे रख दी हूँ तब जाके वो उसमें से ले रही है, देख रहा हमारी चोरनी को घर में चोरों की तरह चोरी कर रही है, ये रहे चोरी, आराम से निकाल ली, अब रखो पूरा उसमें, सारा उसमें रखो, जैसे जैसे था वैसे सरिया के आओगी, हम नहीं जानते हैं चोर कहीं की। सेकेंड नंबर इसका लग गया है क्योंकि ये चलाना चला नहीं पाती, बहुत हार्ड है, हाथ दुखने लगता है, मम्मी को दे दिया, भाई को दे दिया, और यहाँ पे हम तीनों बहन का, बाबू को भी हम लोग दे दिए, और काफ़ी ब्लड दिख रहा है,
खैर छोड़ो, ऑयल के हाथ से छुई हो इस वजह से हुआ है। तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे, कितनी देर टेस्ट करेंगे बता रहा हूँ, प्लीज़ जल्दी से। हाँ टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। दोनों एक साथ खाएंगे। कैसा है?